हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 9 जून 2024 को मोदी 3.0 का ओथ सेरेमनी कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहां पे कुछ मिनिस्टर्स ने जो है अपना ओथ किया। फिर आज यानी कि 10 जून 2024 को प्रेस रिलीज आया, उसमें जो है किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री अलोकेट किया गया है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है और कुछ जो पुराने चेहरे थे उनको जो है मिनिस्ट्री से बाहर किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से नए सांसद मिनिस्टर बनकर बाहर आए हैं। तो यहाँ पे टोटल हम अगर बात करें तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर हम स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो स्टेट मिनिस्टर्स में जो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं वो टोटल 5 हैं और जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो हैं 36। तो इस तरह ये हो गया आपका 71 और प्लस यहाँ पे एक जो है प्राइम मिनिस्टर, तो कुल मिला के हो गया आपका 72। तो इस प्रकार अब की बार जो मोदी 3.0 है इसमें टोटल जो है 72 मिनिस्टर्स को जो है शामिल किया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं या फिर कौन कौन से एमपीज हैं जिनको जो है अलग अलग मिनिस्ट्री एलोकेट की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए ये थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि ये जो है प्रेस रिलीज है 10 जून 2024 को 7:37 पीएम यानी कि शाम को जो है ये रिलीज़ किया गया और इसमें ये शो किया गया है कि किस एमपी को कौन सी मिनिस्ट्री अलोकेट किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एज एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एडवाइज किया जाता है और कुछ नाम उनको जो है सुझाए जाते हैं, फिर उनको जो है अलग अलग एलोकेशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पीएम की तो पीएम को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड आल्सो इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस एंड पेंशंस। तो यहाँ पे पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस एंड पेंशन, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी स्पेस हो गया और जो अलग इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशूज़ वाले हैं वो मिनिस्ट्री इनको जो है मिली है और साथ में ऐसी मिनिस्ट्री का कार्यभार इनको मिला है जो किसी अन्य मिनिस्टर को एलोकेट नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये जो है हमारे पीएम साहब को इतनी मिनिस्ट्रीज एलोकेट की गई हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो टोटल जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो हैं आपके 30। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से चेहरे हैं जिनको हटाया गया और कौन कौन से नए चेहरे शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मोदी 3.0 का गठन किया गया है ये जो है NDA प्लस TDP प्लस JDU के गठबंधन से जो है बना है। आप लोग कमेंट करके बताइए NDA का फुल फॉर्म क्या है, TDP का और JDU का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये श्री राजनाथ सिंह जो हैं इनको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का कार्यभार मिला है और ये जो है पहले भी इनको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय का कार्यभार 19 से 24 में भी मिला था। उसके बाद हम श्री अमित शाह की बात करते हैं, पहले ये जो है 19 से 24 वाले गवर्नमेंट में इनको जो है होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय मिला था। तो अब की बार भी इनको होम अफेयर्स और साथ में कोऑपरेशन मिनिस्टर की कार्यभार इनको दी गई है। उसके बाद नितिन गडकरी यानी कि नितिन जयराम गडकरी की बात करें तो इनको जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दिया गया है। जय प्रकाश नड्डा इनको जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। शिवराज सिंह चौहान ये जो है पहले MP के CM थे और इनको जो है मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर्स और साथ में रूरल डेवलपमेंट का कार्यभार दिया गया है। वहीं पे निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये पहले भी जो है फाइनेंस मिनिस्टर थी और अब की बार भी इनको सेम पोर्टफोलियो मिला है, तो इनको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और साथ में कॉरपोरेट अफेयर्स मिला है। आगे बात करते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि
डॉक्टर एस जयशंकर, तो इनको जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय का कार्यभार इनको मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें श्री मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम थे कुछ दिन पहले, तो इनको जो मिला है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर। फिर श्री एचडी कुमार स्वामी, इनको जो है हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्ट्री मिली है। पीयूष गोयल की बात करें तो इनको जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कमेंट करके बताइए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, और मुझे आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट रहेगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे श्री जीतन राम मांझी, इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME, इनको जो है MSME पोर्टफोलियो मिला है। श्री राजीव रंजन सिंह और साथ में इनके जो है ललन सिंह, तो इनको जो है कंबाइंड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उसके बाद फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। फिर सर्वानंद सोनोवाल को मिला है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद हैं ये श्री किंजा रपू राम मोहन नायडू, नाम से लग रहा है कि ये TDP के हैं, तो ज़रा आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा और कंफर्म करिएगा कि ये जो है कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनको जो है सिविल एविएशन मिला, कमेंट करके बताइएगा सिविल एविएशन इसके पहले किसके पास था। श्री प्रहलाद जोशी, तो इनको जो है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। श्री जुआल ओडम, तो इनको जो है ट्राइबल अफेयर्स। गिरिराज सिंह को जो मिला है टेक्सटाइल मिला है। अश्विनी बैसनो को अपना रेलवे मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये जो है इनको दो पोर्टफोलियो दिया गया है। कमेंट करके बताइए इनको जो है इसके पहले वाली गवर्नमेंट में, ये जब BJP में आए थे उसके कुछ दिन बाद इनको जो है राज्यसभा से सांसद बनाया गया था, और इनको जो है कौन सी मिनिस्ट्री दी गई थी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर आते हैं भूपेंद्र यादव, इनको जो है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको जो है कल्चर एंड टूरिज्म दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी, तो इनको वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और किरण रिजिजू, तो इनको जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स जो है दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, इनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का पोर्टफोलियो दिया गया है। यहाँ पे ये रिपीट हो गया है। उसके बाद आते हैं मनसुख मांडविया, तो इनको जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और साथ में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जी किशन रेड्डी, इनको जो है कोल एंड माइंस दिया गया है। और श्री चिराग पासवान, इनको जो है दिया गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और CR पाटिल, तो CR पाटिल जी को जो है जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जल शक्ति मंत्रालय इसके पहले किसके पास था। तो दोस्तों ये टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए हैं जिनको अलग अलग पोर्टफोलियो एलोकेट किया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, और ये जो हैं इंडिपेंडेंट चार्ज हैं इनके पास, तो ये टोटल हैं 5 स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले टोटल 5 मिनिस्टर्स हैं। सबसे पहले हैं राव इंद्रजीत सिंह, इनको जो है दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। उसके बाद इनको स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। साथ में हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये देखो ये इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं। अर्थ साइंस, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फिर साथ में पब्लिक ग्रीवेंसेस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो देखो यहाँ पे इनको कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, साथ में स्टेट मिनिस्टर के रूप में भी कुछ चीज़ें इनको मिली हुई हैं, कुछ पोर्टफोलियो इनको मिला हुआ है। और यहाँ पे स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस,
ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है। नेक्स्ट है श्री अर्जुन राम मेघवाल, तो इनको जो है मिला है लॉ एंड जस्टिस, ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, और स्टेट मिनिस्टर के रूप में इनको जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स। श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव, तो इनको अगर इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में देखा जाए तो आयुष मिनिस्ट्री मिली है, और साथ में अगर स्टेट मिनिस्टर्स के रूप में देखा जाए तो इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिला है। जयंत चौधरी, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इनको मिला है, और साथ में अगर राज्य मंत्री के रूप में देखें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कि मिनिस्टर्स जो हैं कुछ जो राज्य मंत्री जिनको हम बोलते हैं राज्य मंत्री, इसके पहले जो मैंने 5 लोगों के नाम बताए वो जो थे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले थे, और ये टोटल हैं आपके 36, यहाँ पे 36 हैं। दोस्तों आपका इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए जितिन प्रसाद, तो जितिन प्रसाद को जो है दिया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साथ में इनको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्रीपद एसओ नाइक, इनको दिया गया है पावर, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पंकज चौधरी को दिया गया है फाइनेंस। किशन पाल को दिया गया है कॉपरेशन। रामदास अठावले को दिया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रामनाथ ठाकुर, ये है रामनाथ ठाकुर, इनको दिया गया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्री नित्यानंद राय को दिया गया है होम अफेयर्स। उसके बाद फिर आती हैं अनुप्रिया पटेल, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, और इनकी जो इनका जो लोकसभा क्षेत्र था वो कौन था, कौन सा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इनको जो है मिला है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और साथ में इनको दिया गया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। श्री बी सोमन्ना, इनको जो है जल शक्ति, और साथ में रेलवेज दिया गया है, ये सब स्टेट मिनिस्टर्स हैं। चंद्रशेखर पेम्मा सनी, इनको दिया गया है रूरल डेवलपमेंट, और साथ में कम्युनिकेशन दिया गया है। एसपी सिंह बघेल, और इनको दिया गया है फिशरीज यानी कि मत्स्य पशु और पशुपालन और डेयरी, ये है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, और साथ में इनको दिया गया है पंचायती राज, किसको, एसपी सिंह बघेल को। फिर हैं सुश्री शोभा करांदलजे, इनको दिया गया है MSME, और साथ में दिया गया है लेबर एम्प्लॉयमेंट। कीर्तिवर्धन सिंह को दिया गया है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और साथ में इनको एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया है स्टेट मिनिस्टर्स के रूप में। श्री BL वर्मा, इनको दिया गया है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री शांतनु ठाकुर, इनको दिया गया है पोर्ट्स शिपिंग्स एंड वाटर बेस। फिर नेक्स्ट आते हैं सुरेश गोपी, तो जो सुरेश गोपी जी, अभी इन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि मुझे फिल्में करना है और मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ, हालांकि इनको अलोकेट किया गया है स्टेट मिनिस्टर के रूप में कुछ पोर्टफोलियो, और ये जो है पेट्रोलियम नेचुरल गैस और साथ में टूरिज्म दिया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन, इनको दिया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ में इनको दिया गया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स। श्री अजय तमटा, इनको दिया गया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और आप लोग कमेंट करके बताइए कैबिनेट के रूप में ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का पोर्टफोलियो किसको मिला है। फिर आते हैं बांदी संजय कुमार, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिला है। फिर श्री कमलेश पासवान, इनको जो है रूरल डेवलपमेंट मिला है। भागीरथ चौधरी, इनको एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और श्री सतीश चंद्र दुबे, इनको जो है कोल है, और स्टेट मिनिस्ट्री के रूप में इनको माइंस यानी कि कोल और माइंस मिला है। संजय सेठ हैं, तो इनको जो है डिफेंस, और रवनीत सिंह, इनको जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और साथ में इनको जो है रेलवे मिला है। दुर्गादास उइके, इनको जो है ट्राइबल अफेयर्स। रक्षा निखिल खटसे, इनको जो है मिला है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फिर सुकंता मजूमदार, इनको जो है एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। सावित्री ठाकुर को जो है वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। टोखन साहू, इनको जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। राजभूषण चौधरी, इनको जो है जल शक्ति। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, इनको जो है
हैवी इंडस्ट्रीज और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। श्री हर्ष मल्होत्रा, इनको मिला है कॉरपोरेट अफेयर्स और साथ में रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। फिर हैं निम्बुवेन जयंती भाई बमभनिया, इनको मिला है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद श्री मुरलीधर मोहोल, इनको मिला है कोऑपरेशन और साथ में सिविल एविएशन। जॉर्ज कुरियन को मिला है माइनॉरिटी अफेयर्स और साथ में फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। उसके बाद हैं पवित्रा मार्गरेटिया, एक्सटर्नल अफेयर्स। हो सकता है मेरे प्रोनंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग उसको जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और टेक्सटाइल, तो दोस्तों टोटल कैबिनेट में 30 स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट इंचार्ज में है, टोटल 5 और स्टेट मिनिस्टर्स टोटल हैं 36 और प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार टोटल 72 मिनिस्टर्स की लिस्ट है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका पोर्टफोलियो, अब की बार का जो पोर्टफोलियो हो कैसा है और आपकी क्या उम्मीदें हैं इस जो मिनिस्टर की लिस्ट हैं इनके कार्य से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं और आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। और आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।